लगभग 2 सालों के बाद जो है आज इस बार तीसरी साल में जो है रामनवमी को लेकर जो है खासा उत्साह देखा जा रहा था। और वैसे में इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अल्बर्टा का चौक की तस्वीर है, और महावीर मंडल में जो विवाद चल रहा था वह विवाद खत्म हो गया है। महावीर मंडल के अध्यक्ष जय सिंह यादव को फिर से चुना गया है, और सभी जितने भी विवाद जिस तरीके से चल रहा था उन सभी पर विराम लगाते हुए सभी को एक साथ आने का जो है कह सकते हैं एक साथ आकर रामनवमी पर्व हर्षोल्लास से मनाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में जो है इन्होंने कहा है कि वह खुद संजीदा है और इस बार जो है लगभग पूरे तरीके से भव्य तरीके से रामनवमी मनाने के लिए वह जरूर परमिशन देंगे। क्या कुछ कहा है जय सिंह यादव ने महावीर मंडल के अध्यक्ष बनने के बाद, चुनाव होने के बाद, और क्या कुछ कहा है दीपक ओझा ने, ये आप देखिए। भगवान के नाम पे कुछ होता नहीं, विवाद राम का एक ही झंडा निकलेगा, जय श्री राम। और जितने लोग हैं जो विवाद कर रहे थे सब गार्जियन हमारे, और सब एक साथ निकलेंगे जुलूस के दिन, कोई अलग नहीं होगा, भगवान का ये निकलेगा जुलूस। इस बार का जो जुलूस होगा 2 साल के बाद निकलेगा, बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला है पूरे रांची में। आज के चुनाव और परिणाम पर क्या? अब राम भक्त जो है अब देख सकते हैं भीड़, बाकी जो भी मीटिंग हुई कुछ लोग थे वहाँ पे, लेकिन आज की जो मीटिंग हुई जितने भी भक्त हैं, जितने भी अखाड़ेदारी हैं, चाहे वो हटिया के हो, चाहे वो चुटिया से लोग आए, पंडरा के हैं, बजरा के हैं, हर जगह से लोग आए, हर लोगों ने समर्थन दिया और चुना। आज के मीटिंग में किन किन पदों पर किन-किन अध्यक्ष और मंत्री के भी हुई है, और हमारी कमेटी मीटिंग होगी कल, और फिर बाकी होगा जी। एक ही झंडा के नीचे आ गए श्री महावीर मंडल रांची के अंतर्गत। सभी हमारे मती भक्तों लोग काम करेंगे, जो अलग अलग भी गुट बनाए हैं वो श्री महावीर मंडल रांची का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, हम उनको साथ लेकर चलेंगे। किस तरीके से और परमिशन सरकार से मुख्यमंत्री से मिले? मुख्यमंत्री के श्री महावीर मंडल रांची को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाए थे हम लोग को मिलने के लिए, हम लोगों से राय विचार लिया, और श्री मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे भी इच्छा है कि रांची में रामनवमी और सरूल बनाया जाए, लेकिन कुछ सरकारी प्रक्रियाएं होती है, कुछ बाधाएं होती है, हम चाहेंगे मुख्यमंत्री का इच्छा है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि रांची का रामनवमी निकले, अगर कोई सरकारी प्रक्रिया कोई बाधा उत्पन्न होती है तो सिंबॉलिक तौर पर भी रांची की रामनवमी मनेगी, चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना क्यों नहीं पड़े। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।